हाल ही में जारी किए गए कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परिणाम शहर के एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों एवं पालकों के लिए चौंकाने वाले साबित हुए हैं। औरंगपुरा स्थित मिशनरी स्कूल अध्ययनरत दोनों कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों का परिणाम स्वाध्यायी छात्र के रूप में जारी किया गया है। शनिवार को परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राएं पालकों के साथ SDM कार्यालय पहुंचे। यहां SDM ओम नारायण सिंह से मुलाकात कर मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही के साथ ही परिणाम सुधार की मांग की। छात्रा ऋषिका पाटीदार, मोनिका बावने, लक्षिता जाधव आदि ने बताया कि वह औरंगपुरा स्थित मिशनरी स्कूल में अध्ययनरत है। कक्षा 10वीं में वर्ष भर नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया, स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया, तब पता चला कि स्कूल के पास कोई मान्यता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सेंट मेरिज स्कूल के स्टूडेंट है। हम लोगों ने 10th क्लास के इस बार एग्जाम दिए, उसमें हम लोगों की मार्कशीट आई है, तो उसमें हम लोगों को प्राइवेट शो किया है, जबकि हम लोग रेगुलर स्टूडेंट है और उसमें हम लोगों ने फीस भी जमा की। उसके बावजूद भी वो लोग हमको प्राइवेट शो कर रहे हैं। स्कूल में गए थे तो वो लोग ऐसे बोल रहे कि हमने आगे कंप्लेन की है, जबकि 3 दिन से कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए SDM साहब के पास आए। उन्होंने ऐसा बोला है कि आपकी कार्रवाई जल्द से जल्द हम आगे कर रहे हैं और आप लोगों की मार्कशीट भी सुधार की जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल की मान्यता रद्द हो गई है, जो कि हम लोगों को स्कूल से नहीं बताया गया था। क्या नाम है आपका? लक्षिता जाधव। ये जो अभी मामला है, शायद इन्होंने इस स्कूल में एडमिशन नियमित छात्र के रूप में लिया था और उसके बाद 10th का एग्जामिनेशन नियमित छात्र के रूप में उनके हिसाब से दिया गया है। और उनका कहना है कि हमारी जो स्वाध्याय की मार्कशीट आई है, तो उसके संबंध में हमने अभी जिला शिक्षा अधिकारी जी को बताया है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि वो स्कूल पूर्व से मान्यता प्राप्त नहीं था, लेकिन वर्तमान में शायद कोई तकनीकी त्रुटि कारण ऐसा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से उनकी वार्ता चल रही है और इसका निराकरण जो भी नियम और विधि होगा उसका अनुसार भी है। सर, इनके बाद जब मान्यता नहीं थी, तो इन्होंने बच्चों का एडमिशन कैसे कर लिया था? इसके लिए अब जिला शिक्षा अधिकारी इस टेक्निकल चीज़ को बताएंगे कि मान्यता देने वाली अथॉरिटी वो है, कंट्रोल अथॉरिटी वो है, मॉनिटर अथॉरिटी वो है, तो वो किस आधार पर इन लोगों को एडमिशन देते हैं और कैसे कार्य करते हैं उनसे स्पष्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।